जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुमार स्टडी में। दोस्तों आइए बात करते हैं RRC ग्रुप डी, जिसका PET के लिए फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। तो PET में जिनका सिलेक्शन हुआ है वे बहुत बहुत बधाई। और बात करते हैं RRC ग्रुप डी, हाई कट ऑफ किस जोन की गई है और लो कट ऑफ किस जोन की गई है। तो सबसे जो हाई कट ऑफ गई है वो नॉर्थ रेलवे दिल्ली की। तो नॉर्थ रेलवे दिल्ली जो चंडीगढ़ के अंदर आता है, इसकी जो कट ऑफ है सबसे हाई गई है। और जो सबसे लो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी साउथ सेंट्रल रेलवे। तो साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की जो कट ऑफ है वो काफ़ी लो गई है। तो बात कर लेते हैं कि मेरा रिज़ल्ट में क्या हुआ और फिजिकल की क्या तैयारी है, फिजिकल मेरा होगा या नहीं, आइए इस बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं कि सबसे पहले मेरे जो जोन है वो कौन सा है। तो मेरा जोन है RRB अजमेर। तो RRB अजमेर और RRC जो जयपुर के अंदर आता है उसमें मैंने फॉर्म फिलअप किया था। और बात कर लेते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ भी नॉर्मल रही है, वैसे तो रेड जोन में है। तो बात करते हैं कट ऑफ, तो कट ऑफ जो गई है वो मेरे जोन की UR के लिए जो कट ऑफ गई है UR के लिए 68 पॉइंट कुछ। और बात कर लेते हैं SC की, तो SC की जो नॉर्मलाइज कट ऑफ गई है वो गई है 54। और सेम ST की भी कट ऑफ यही लगभग है। बात कर लेते हैं OBC की, तो OBC की जो कट ऑफ गई है, OBC की कट ऑफ 61 रही है। और EWS की कट ऑफ, EWS की कट ऑफ गई है आपकी 48। तो 48 आपके यहाँ की कट ऑफ रही है EWS की। बात करते हैं कि मेरा रिज़ल्ट क्या हुआ है। तो मेरा रिज़ल्ट इसमें हो चुका है और मैं PDF में मेरा रोल नंबर भी है, मैं इसमें क्वालिफाई हूँ। और फिजिकल की तैयारी चल रही है, फिजिकल के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो बात कर लेते हैं इसमें स्कोर कार्ड की, तो स्कोर कार्ड आपका कब तक जारी होगा। स्कोर कार्ड के बारे में बात करते हैं, तो स्कोर कार्ड आपका आज शाम 6 बजे से पहले ही या 6 बजे तक, आज यानी 27 दिसंबर, तो आज 27 दिसंबर 6 बजे, 6 बजे से पहले आपके सभी RRB RRC का स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और सभी अपने स्कोर कार्ड में अपना नंबर और अपने कितने नॉर्मलाइज मार्क है, आपके कितने जो रो मार्क थे वो सब आप उसमें आज चेक कर सकते हैं। और जैसे भी आपका स्कोर कार्ड आएगा आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बात कर लेते हैं फिजिकल में, तो फिजिकल RRC ग्रुप डी का, जो RRC ग्रुप डी का फिजिकल है उसके बारे में बात करते हैं। तो RRC ग्रुप डी के फिजिकल में क्या होता है और आपको क्या क्या इसमें करना, ये बात करते हैं फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल जो है ये आपका दो तरीके से, मेल कैंडिडेट और फीमेल के लिए भी। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो सबसे पहले है वो आपको 35 किलो वज़न आपको लेकर चलना है। और ये 100 मीटर में आपको 2 मिनट में जाना है, 100 मीटर तक आपको 2 मिनट में जाना है। और बिना किसी एक बार भी गिराए के, बिना किसी गिराए। तो बात कर लेते हैं दूसरा, तो दूसरा क्या है इसमें, आपको 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की रेस करनी है। तो 1 किलोमीटर की आपको रनिंग करनी है इसमें। इसी प्रकार फीमेल, तो फीमेल के फिजिकल की बात कर लेते हैं। फीमेल के फिजिकल में आपको 20 किलो वज़न 100 मीटर तक ले जाना है और ये आपको 2 मिनट में लेकर जाना है। तो 2 मिनट में आपको ये वज़न लेकर जाना है जो आपको बोरे में बालू वगैरह देंगे। बात करते हैं रनिंग की, तो रनिंग आपकी 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की है। इसमें आपको 5 मिनट 40 सेकंड टाइम मिलेगा जिसमें आपको ये क्वालिफाई करनी है। और छूट किसको है इसमें, तो छूट आपके PWD वालों को और
CCAAS वालों को और जितने भी ये हैंडीक्राफ्ट करते हैं सब इनमें इनको छूट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके स्कोर कार्ड के लिए आएगी। थैंक यू।